हेलो दोस्तों, अभी आरपीएफ की जस्ट वैकेंसी आई है, तो इसमें देखा जाए तो जीके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखा जा रहा है। 50 नंबर का सिर्फ जीके से मतलब क्वेश्चन का पूछा जा रहा है। मैथ रीजनिंग से 35-35 क्वेश्चन को डाला गया है, लेकिन अगर इससे पहले टेक्नीशियन का देखा जाए, एलपी का देखा जाए, तो इसमें जीके का इंपॉर्टेंस को पूरा खत्म कर दिया गया है। मात्र 10 क्वेश्चन सिर्फ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चैलेंजिंग ये हो जा रहा है कि जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएफ की भी फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो उनको वो मतलब क्या कैसे कैरी करें और जीके को कैसे पढ़े ताकि सारा कवर हो जाए। एक तरफ देखा जाए तो वहाँ जीके नहीं पढ़ना पड़ रहा है, एक तरफ देखा जाए तो जीके पढ़ना पड़ रहा है। वहाँ देखा जाए एलपी टेक्नीशियन में साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, लेकिन जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन को सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन ही दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ आरपीएफ में देखा जाए तो आपको 50 क्वेश्चन सिर्फ जीके से पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको साइंस भी देखने को मिलेगा और सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमी सब कुछ देखने को इसके अंदर मिलेंगे। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो। तो दोस्तों, 50 नंबर के जीके के लिए आप ये 2 बुक को पढ़ सकते हैं। करियर प्रिपरेशन की काफ़ी बेस्ट बुक है ये। आपको प्रीवियस ईयर को पेपर को लेके चलना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान अगर नहीं देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि वन लाइनर अप्रोच के साथ जनरल नॉलेज का पूरा इसमें दिया गया है। एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बुक है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस सब कुछ इसमें दिया गया है। इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ में आपको कला है, संस्कृति है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। इसको देखा जाए तो ये सब्जेक्टिव बुक है। इसके अंदर आपको टोटल का टोटल सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, इस बुक को मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, काफ़ी बेस्ट बुक है ये। देखिए, इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। साथ में इसको आप देखेंगे तो यहाँ बुलेट फॉर्म में देखिए दिए रहते हैं। ये इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये प्रीवियसर क्वेश्चन डाले गए हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये आप, ये किरण पब्लिकेशन की ही बुक है। ये 27,000 फैक्ट्स इसके अंदर दिए गए हैं। मतलब इसको आप यह है कि थ्योरी बेसिस पे पूरा पढ़े और यहाँ आप इससे चेक करें कि आपका तैयारी कितना स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपके रेलवे के जितने सारे एग्जाम अभी तक हुए हैं सारे के क्वेश्चन इसमें डाले गए। यहाँ तक कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के भी क्वेश्चन इसमें दिए गए। ये आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी सारे एग्जाम में काम आ जाएगा, आप इस बुक को ले सकते हैं। साथ में साइंस के देखिए और जनरल नॉलेज और साइंस भी इसके अंदर डाले गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये आरपीएफ और आरपीएसएफ के, यहाँ देखिए मान लीजिए एसआई का एग्जाम हुआ था 2019 में, तो इसके सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स मतलब पॉलिटिक्स है, राज व्यवस्था और संविधान से देखिए इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए एक शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ इसके बाद देखेंगे तो कुछ सक्सेस टिप्स भी यहाँ नीचे दे दिए गए हैं। साथ में देखेंगे तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था। बाद में देखेंगे तो यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे गए। साइंस से भी देखिए 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए थे। फिजिक्स से भी है, बायोलॉजी से भी देखिए क्वेश्चन डाले गए हैं। ये भारत का भूगोल से देखिए इतने सारे क्वेश्चन आया था, विश्व के भूगोल से भी आया था, तो इस सब को पता चलेगा। देखिए इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन है, मतलब एक शिफ्ट के अंदर देखिए आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिया गया है। तो आपको अलग से कोई बुक लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अंदर देखिए आरपीएफ की यहाँ पर भी दिया हुआ है, 1/1 को जब प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो आप इससे पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इससे यही अंदाज़ा लग जाता है। इसलिए प्रीवियसर को पढ़ना काफ़ी जरूरी होता है। कहेंगे तो यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंट है, मतलब और भी टेक्नीशियन वगैरह में भी जो एग्ज़ाम पूछे गया है, जेई का भी सारा क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। तो आप इस फैक्ट को जरूर पढ़ें तो आपका काफ़ी ज़्यादा तैयारी इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपको लगे कि इसमें कुछ चैप्टर्स कमज़ोर है तो और डिटेल में उस चैप्टर को, मान लीजिए आपका ये आर्ट एंड कल्चर पर वीक है, तो आप यहाँ से इस बुक से आप क्या करें पूरा सब्जेक्टिव में पूरा पढ़ लें, तो इस हिसाब का ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से आप हमारे कंप्यूटर का प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर का पढ़ लें। यहाँ देखिए आर्टिकल्स वगैरह दिए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद वगैरह है पॉलिटिक्स से, तो इसको भी आप पूरा का पूरा इसमें दे दिया गया इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, तो आप यहाँ से इसको पढ़ के पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि आरपीएफ का जो होता है, एसआई और कॉन्स्टेबल का एग्जाम होता है, इसमें मतलब पॉलिटिक्स से साथ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें अनुच्छेद वगैरह, नियम कानून वगैरह सब पूछे जाते हैं, लॉ से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको पॉलिटिक्स का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पूरा बुक आपके लिए बेस्ट है। कलरफुल फॉर्म इसमें दिए, सारा बुक दिया हुआ है, प्रिंट भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये आपको टोटल देखा जाए तो इतनी मोटी बुक ये आती है, साथ में ये भी देखिए उतनी ही मोटी बुक है। उसके बाद इसका आप इंग्लिश वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है। ये देखिए आंसर के जो 27,000 फैक्ट्स के क्वेश्चन, ये पूरा बुक इंग्लिश वर्जन में है, तो आप ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से इसको ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप इसको ले लीजिए, क्योंकि मैं भी आरपीएफ का फॉर्म फिलअप किया हूँ, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन अभी दिया गया है 3 साल, तो मेरा एज उसमें आ गया है, तो हम इसको डालेंगे एसआई को भी और कॉन्स्टेबल को भी, तो मैं भी इससे तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने भी इस बुक को ले लिया है। हालांकि इस बुक को तो मैं पहले से भी पढ़ता आ रहा हूँ, इसमें बहुत सारे मैंने अंडरलाइन भी किए हुए हैं,
ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ मैं पढ़ते रहता हूँ, अभी और भी पढ़ना बाकी है, तो अभी धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे पूरा बुक को जल्दी से। दोस्तों ये बुक्स आपको किसी भी नज़दीक की बुक शॉप पर जाकर आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको मंगा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों किसी मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।